Assalamu alaikum, this is Fahad Ahmed Hashmi from IV Online. I welcome you all to F8 Audit and Assurance. आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर सब्जेक्ट है. यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो है उसके टू कोर कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, तो आपने फौरन मुझे जवाब देना है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द अदर वन इज ऑडिट एंड एश्योरेंस. यानी जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट होता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है और वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप कर रहे हैं, व्हाट इज इट ऑल अबाउट. हर कोई किसी ना किसी चीज का स्पेशलिस्ट होता है, तो इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो स्पेशलिस्ट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्पेशलिस्ट है और वो ऑडिट एंड एश्योरेंस का स्पेशलिस्ट है. अब आप कहेंगे कि सर हम तो बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं. तो बिल्कुल, आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं टू सप्लीमेंट योर कोर कॉम्पिटेंसी, टू सप्लीमेंट योर कोर एक्सपर्टीज. यानी आपको जो दुनिया जानती है या आपको मानती है या आपके काम को पहचानती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ यू बीइंग द फाइनेंशियल अकाउंटेंट या यू बीइंग द ऑडिटर. और जाहिर है अपने इस रोल को प्ले करने के लिए आपको बहुत सारी और चीजें पढ़नी पड़ती हैं. आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी पड़ती है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़नी पड़ती है, आपको लॉ भी पढ़ना पड़ता है, आपको टैक्स भी पढ़ना पड़ता है, आपको बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़नी पड़ती है, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं. क्योंकि जो आपका रोल है वो बड़ा की रोल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और उस रोल को फुलफिल करने के लिए आपके पास कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, कुछ साइड लाइन, कुछ साइड डिशेज होनी चाहिए, ताकि आप अपनी मेन कोर कॉम्पिटेंसी के साथ जस्टिफाई कर सकें. तो आज मैं आपको, एज द लेक्चर वुड गो ऑन, जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते क्यों हैं, आप इतनी सारी चीजें सीखते क्यों हैं. एक ACCA क्वालिफाइड ACCA बनने के बाद आपसे एक्सपेक्टेशंस दो हैं, दो बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप एक बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल अकाउंटेंट होंगे और आप एक बहुत ही बेहतरीन ऑडिटर होंगे. बट वाई, इतनी सारी चीजें हम क्यों पढ़ते हैं, उनका मकसद क्या है, उनका बुनियादी मकसद क्या है, आज हम सारी बातें करेंगे. ये आपका आज पहला लेक्चर है, तो हम बिल्कुल ABCD से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे. आप अज्यूम करें कि आपको अभी कुछ नहीं पता, और अगर कुछ पता है भी तो उसको अनलर्न कर दीजिए, भूल जाइए, क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, उसकी बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं. और इत्मीनान रखिएगा, जब तक बेसिक्स मुकम्मल नहीं होंगी मैं कोर टॉपिक्स पर नहीं आऊंगा. क्योंकि एक बिल्डिंग की फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी उतनी मजबूत, उतनी पायदार होगी. तो हम आज बिल्कुल बेसिक्स पे बात करेंगे, बिल्कुल ग्राउंड से हम चीजें उठाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप ऑडिट का सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हैं. इंशाल्लाह जब आप अगला ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फिर बेसिक्स की बात शायद ना हो, लेकिन आज चूंकि आप जिंदगी में पहली बार ऑडिट पढ़ रहे हैं, लिहाजा ये जरूरी है कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें. चलिए जी, आइए पहले तो हम अपने सब्जेक्ट के टाइटल पर बात करते हैं, F8 ऑडिट एंड एश्योरेंस. अगरचे मेरे लिए इस वक्त ये समझाना बहुत मुश्किल है कि ऑडिट और एश्योरेंस सब्जेक्ट का नाम क्यों है, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि ऑडिट क्या होता है और एश्योरेंस क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक ओवरव्यू दूंगा. बेसिकली ऑडिट एंड एश्योरेंस को आप इस तरह से समझिए कि मैं आपसे अगर कहूं एप्पल्स एंड फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, यानी मैं कहूं सेब और फल आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? आप कहेंगे सर आप सेब और फल क्यों कह रहे हैं, क्या सेब फल नहीं है? यानी आप कह रहे हैं एप्पल्स एंड फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, इससे ऐसा लग रहा है कि एज इफ एप्पल इज नॉट अ फ्रूट. बात दरअसल ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फल तो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं ही, सेब बहुत अच्छा है. यानी मैं बात तो फलों की कर रहा हूं, लेकिन उन फलों में सबसे ज्यादा मेरा फोकस, मेरा हाईलाइट, मेरा जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो एप्पल है. तो बिल्कुल इसी तरह आप समझिए ऑडिट एंड अश्योरेंस. यानी अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि ये दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन एक तरीके से गलत भी होगा. क्यों? आसानी के लिए समझ लीजिए, ऑडिट इज अ टाइप ऑफ अश्योरेंस. यानी अश्योरेंस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ऑडिट उसका एक छोटा कॉन्सेप्ट है. जिस तरह हमने कहा फल बहुत सारे हैं लेकिन हमारा फोकस एप्पल पे है, जिस तरह हम बात करते हैं ना कि हर, मैं आपको एक मिसाल दूं किसी भी इदारे की, कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ एक बैंक है हबीब बैंक लिमिटेड, तो मैं कहता हूं हर हबीब बैंक बैंक है, लेकिन क्या हर बैंक हबीब बैंक है? नहीं है. तो इसका मतलब बैंक एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, बैंक एक जनरल कॉन्सेप्ट है, और हबीब बैंक एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, उसका एक कॉम्पोनेंट है. तो बिल्कुल इसी तरह आप समझिए कि जो अश्योरेंस है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट अश्योरेंस ही मेन कॉन्सेप्ट है. इनफैक्ट यहां पर हम अश्योरेंस ही पढ़ने आए हैं, और अश्योरेंस का एक हिस्सा, एक कॉम्पोनेंट ऑडिट है जिसपे हमारा फोकस सबसे ज्यादा होगा. अगरचे अश्योरेंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, अश्योरेंस के हम बेसिक्स पढ़ेंगे, लेकिन अश्योरेंस की
वो टाइप जिसका नाम ऑडिट है, मैं और आप आज यहाँ पर वो पढ़ने जमा हुए। तो आइए बात करते हैं ऑडिट है क्या। और इससे पहले कि हम बात करें ऑडिट है क्या, मैं आपको बताऊंगा ऑडिट है क्यों। किसी भी चीज के व्हाट या हाउ पार्ट पे आने से पहले ये समझना जरूरी कि वो चीज है क्यों। तो हम ऑडिट है क्या और ऑडिट होता कैसे है, ऑडिट में हम क्या करते हैं, हम वो तो बाद में पढ़ेंगे। पहले तो आइए हम पढ़ते हैं कि ऑडिट क्यों है, ये चीज क्यों पैदा हुई, ये चीज क्यों वजूद में आई, इस चीज कि हमें क्या जरूरत पड़ी। जब आप ऑडिट के वजूद के मकसद को समझ जाएंगे तो फिर ऑडिट होता कैसे है और ऑडिट है क्या, ये आपके लिए समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि आप उसकी रूह तक पहुंच जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि ऑडिट करने का मकसद क्या है। चलिए एक मैं आपसे मिसाल, आपसे ही मिसाल पूछता हूं, मैं आप ही से रिलेट करता हूं। मैं आपका एक बिजनेस है, मिसाल के तौर पर आपका एक छोटा सा स्टार्टअप है, आपने एक छोटा सा बिजनेस खोला, आपने एक छोटा सा जनरल स्टोर खोला और आप उसके सोल प्रोप्राइटर हैं। सोल प्रोप्राइटर मतलब आप ही का वो बिजनेस है, आप ही उसके ओनर हैं, आप ही उसके मैनेजर हैं, आप ही उस बिजनेस को चलाते हैं। वो जनरल स्टोर रोज सुबह आप ही खोलते हैं, आप ही बंद करते हैं, कैश आपके पास ही आता है, खर्चा आप ही करते हैं, उसका जो प्रॉफिट होता है वो आपका ही होता है, उसमें अगर नुकसान होता है वो भी आपका ही होता है। एक दिन मैं आपसे कहता हूं जरा मेरे पास आइए और जरा मेरे सामने बैठे और आप मुझे बताएं कि जो आपका बिजनेस है, ये जो आपका जनरल स्टोर है, जरा मुझे इसके हिसाब किताब दिखाइए। यानी मैं आपसे कह रहा हूं जो कि बिजनेस का ओनर है, जो कि वाहिद ओनर है, सोल प्रोप्राइटर है, जो सब करता धरता है, और मैं एक थर्ड पर्सन, एक अननोन आदमी, मैं उस शख्स से कह रहा हूं कि आप जरा मुझे अपने बिजनेस का हिसाब किताब बताइए। मैं देखना चाहता हूं आप कितना कमा रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं आप कितना खर्च कर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं कि आप अपना बिजनेस सही से चला रहे हैं या नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप मेरे सामने सब कुछ पेश कर देंगे? क्या आप सारा हिसाब किताब मुझे बता देंगे? क्या आप मेरे सामने सब कुछ खोल कर रख देंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि आपका जवाब ही होगा, आप कहेंगे अरे आप कौन होते हैं, हु आर यू टू आस्क मी व्हाट आई एम डूइंग। भाई मेरा बिजनेस है, मैंने पैसा लगाया है, मैंने बिजनेस शुरू किया है, अगर अच्छे से चला रहा हूं तो उसका फायदा मुझे होगा, अगर अच्छे से नहीं चला रहा तो उसका नुकसान मुझे होगा। फायदा मेरा, नुकसान मेरा, पैसे मेरे, बिजनेस मेरा, मैं किसी को जवाब दे क्यों हूं? मैं आपको क्यों बताऊं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा? और आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं अपना मुंह लटकाकर बाहर चला जाऊंगा, आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप हक बजानेब होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप ड्राइव करते हुए जा रहे हैं अपनी गाड़ी और रास्ते में किसी ने हाथ देकर आपकी गाड़ी को रोका, आपको रोका और कहा कि जरा मुझे चेक कराएं आप अपनी गाड़ी सही से चला रहे हैं या नहीं, आप अपनी गाड़ी मिसयूज तो नहीं कर रहे, आप अपनी गाड़ी में आड़े तिरछे गियर तो नहीं मार रहे। आप कहेंगे हु आर यू, आप कौन होते हैं, मेरी गाड़ी है, मैं ओन करता हूं, मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं, मैं इस गाड़ी के साथ जो भी करूं वो मेरी मर्जी है, फायदा है तो मेरा है, नुकसान है तो मेरा है, जो कुछ है वो मेरा है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूं और आप ये क्यों जज करना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं बात, वो यहां पर समझिएगा। जब ओनरशिप और मैनेजमेंट, अच्छा अगरचे हमारा लेक्चर बायलिंगुअल है, हम उर्दू पे फोकस करें ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आए, और बात का समझ में आना जरूरी है चाहे जबान कोई भी हो, लेकिन मैं खासकर इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज बीच में इस्तेमाल करूंगा क्योंकि आपको अल्टीमेटली F8 का पेपर देना तो अंग्रेजी में ही है। तो समझने के लिए उर्दू जबान का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिस्टल क्लियर हो, लेकिन जब आप पेपर में वो चीजों को रिप्रोड्यूस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को लिखेंगे और बैठ के आंसर को ड्राफ्ट करेंगे तो आपके दिलो दिमाग में, आपकी रूह में इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज का मौजूद होना जरूरी है क्योंकि आंसर वहीं से बनेगा। तो यहां पे दो कीवर्ड्स, यानी मैं अभी इंट्रोडक्टरी स्लाइड पर हूं, मैंने यहां से दो कीवर्ड्स निकाले जो कि मैं आपके सामने लिख भी रहा हूं। एक है ओनरशिप और दूसरा कीवर्ड है मैनेजमेंट। आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, बस सारी कहानी इसके इर्द गिर्द ही घूम रही है। हमने कहा जब ओनरशिप और मैनेजमेंट एक ही हाथ में है तो कोई मसला नहीं है ना, आप ही चीज के ओनर हैं, आप ही मैनेजर हैं, आप ही चीज ओन भी करते हैं, आप ही मैनेज भी करते हैं, चीज भी आपकी है, चलाते भी आप हैं। जैसे गाड़ी आपकी आप चलाते, तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि भाई जरा बताओ कैसे चलाते हो। घर आपका है आप चलाते हैं, आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता क्योंकि आप ही ओनर है और आप ही मैनेजर है। भाई ये इदारा आपका है, आपने बनाया है, आप चलाते हैं, आप ओनर है, आप किसी के साथ कोई शराकतदारी नहीं करते, तो इसका मतलब आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि आप क्या कर रहे हैं। चीज भी आपकी है, चलाते भी आप हैं, यानी ओनरशिप और मैनेजमेंट
एक ही हाथ में है। अगर हम यहां पर इसको देखें तो ओनरशिप और मैनेजमेंट एक ही हाथ में है। जो ओनर है वही मैनेजर है, जो मैनेजर है वही ओनर है, जिसकी चीज है वही चलाता है और जो चला रहा है उसी की चीज है, तो कोई मसला नहीं है। अगर पूरी दुनिया में यही मॉडल होता कि जिसकी चीज होती चलाता भी वही, जो ओनर होता वही मैनेजर भी होता, तो फिर ऑडिट कभी पैदा नहीं होता, ऑडिट का सब्जेक्ट वजूद में ना आता, मैं और आप यहां ऐसे बैठे ना होते, मैं ना बोल रहा होता, ना आप मुझे सुन रहे होते, ना आपने पेपर देना होता, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही वजूद में नहीं आता। अब ये सब्जेक्ट क्यों वजूद में आया? अब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, और वो हम क्या कर रहे हैं? हमने कहा जब तक ओनरशिप और मैनेजमेंट एक हाथ में है तो फिर ऑडिट की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन जब ओनरशिप और मैनेजमेंट तब्दील हो गई, यानी ओनरशिप किसी और हाथ में चली गई और मैनेजमेंट किसी और हाथ में चली गई, पहले तो मैंने ओनरशिप और मैनेजमेंट को ऊपर नीचे लिखा था ना, एक दूसरे का हाथ थामे हुए लिखा था ना, अब मैंने इनके दरमियान दीवार खड़ी कर दी, मैंने इनको डीमार्केट कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलहदा कर दिया। मैंने कहा जब तक ये दोनों चीजें एक ही हाथ में होंगी, जो ओनर होगा वही मैनेजर होगा, जो मैनेजर होगा वही ओनर होगा, ऑडिट की कोई जरूरत नहीं थी, हम अपना बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, ग्राउंड पर ऐसा होता नहीं है। हम कह रहे ऑडिट की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, ऑडिट का वजूद बाकी रहेगा, बिल्कुल बाकी रहेगा, लेकिन कब जरूरत पड़ेगी? जब ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में दीवार खड़ी हो जाएगी, जब ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हो जाएगी, जब ये हाथ तब्दील हो जाएंगे, अब ओनरशिप किसी और के हाथ में है और मैनेजमेंट किसी और के हाथ में है, जब चीज किसी और की है और चलाता कोई और है, जो चला रहा है उसकी चीज नहीं है और जिसकी चीज है वो चला नहीं रहा। मिसाल के तौर पर भाई, आपका बहुत ही करीबी दोस्त, आपका कोई बहुत ही पक्का दोस्त भी आपसे आपकी गाड़ी मांगता है, यार मुझे एक दिन के लिए अपनी गाड़ी दे दो चलाने के लिए। आप मना तो नहीं कर सकते, आप अपनी गाड़ी दे देंगे और वो आपकी गाड़ी लेकर चला जाएगा, और जब वो अपनी अपना सफर मुकम्मल करके वापस आपके पास आएगा आपकी गाड़ी लौटाने के लिए, तो उसके जाने का इंतजार आप जरूर करेंगे, लेकिन उसके जाने के बाद आप गाड़ी का मुआयना जरूर करेंगे। चाहे वो आपका कितना ही पक्का दोस्त क्यों ना हो, कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो, आपको उस पर कितना ही ट्रस्ट क्यों ना हो, लेकिन चूंकि वो चीज आपकी है और चलाई उसने है, ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हो गई ना, जिस सफर पर वो गया उस सफर में गाड़ी, गाड़ी सब्जेक्ट मैटर था, तो गाड़ी का ओनर कोई और था जो घर पे बैठा था, और गाड़ी चला कोई और रहा था, जो चला रहा था वो चीज उसकी नहीं थी, और जिसकी चीज थी वो घर पर बैठा था, वो गाड़ी चला नहीं रहा था। तो जब आपका दोस्त आपके पास से गाड़ी लौटा के आपको चला जाएगा तो आप गाड़ी का मुआयना जरूर करेंगे, इंस्पेक्शन जरूर करेंगे, पेट्रोल की लकीर आप जरूर देखेंगे कितना खर्च किया इसने, आप सीटों का मुआयना जरूर करेंगे, आप देखेंगे कहीं गाड़ी लग तो नहीं गई, बाहर से चेक करेंगे, साइड से चेक करेंगे, लेफ्ट से चेक करेंगे, राइट से चेक करेंगे, और फिर आप मुतमईन हो जाएंगे। और ये जरूरत क्यों पड़ी? ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हो गई ना, यानी ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हो गई तो क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि जो अपनी चीज का दर्द होता है ना वो ना रहा। अगर चीज भी मेरी है और चलाता भी मैं हूं तो मुझे उस चीज का दर्द होता है, आई फील इट, आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट इट, मैं उसका ख्याल रखूंगा, मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं उसके साथ कोई गद्दारी नहीं करूंगा, मैं उसको कोई नुकसान, किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर चीज किसी और की है और चलाता मैं हूं तो फिर वो दर्द मिसिंग हो जाता है, क्योंकि जो दर्द ओनरशिप को होता है शायद वो दर्द मैनेजमेंट को नहीं होता। जिसका पैसा लगा होता है, जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसकी ओनरशिप होती है, उसका दर्द अलग होता है, जो मैनेजमेंट होती है उसका दर्द अलग होता है। तब हम डायरेक्टली टेक ऑफ कर रहे हैं टू अ पॉइंट जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, आप में से काफी लोगों ने लॉ पढ़ा हुआ होगा, और अगर लॉ पढ़ा हुआ नहीं भी है तो आपको आइडिया है किस चीज का आइडिया है, मैं क्या बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो मैं करने जा रहा हूं आपसे। मैं आपसे बात करने जा रहा हूं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सुना है ना, बिल्कुल सुना होगा आपने लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि इस कंपनी के ओनर्स कोई और लोग हैं और इसको चलाने वाले कोई और लोग हैं। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी वो इदारा है, वो बिजनेस है, वो एंटिटी है, वो इंस्टीट्यूशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर ओनरशिप किसी और के हाथ में है, उसके ओनर्स, उसके मालिक कोई और है, और उसकी मैनेजमेंट, उसको चलाने वाले कोई और है। जो ओन करते हैं वो मैनेज नहीं करते, जो मैनेज करते हैं वो ओन नहीं करते। जब इनके दरमियान एक लकीर खींच दी हमने, जब इनके दरमियान एक दीवार हाई ला गई, जब ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हो गई,
तो अब जरूरत पड़ी किसी चीज की, अब जरूरत पड़ी किसी चीज की, लेकिन वो जरूरत पड़ी जिस चीज की वो तो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ओनर्स कौन होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के। हु आर द ओनर्स ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी? जी बताइए। खैर आप मुझे कैसे बताएंगे, दिस इज नॉट एन इंटरक्टिव सेशन, तो मैं आपको बताता हूं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स। अब हमारे लिए पहले ये जानना जरूरी है कि भाई शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। अब कहेंगे शेयर्स क्या होते हैं? एक कंपनी है, उसको पैसे चाहिए, तो वो क्या करते हैं? लोगों से पैसे जमा करते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। तो 1 करोड़ रुपए किसी एक जेब से तो नहीं आ सकते, वो 1 करोड़ रुपए पूरी आवाम से इकट्ठा करते। किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 2 लाख दिए, किसी ने 5 लाख दिए, किसी ने 50 लाख दिए। वो उन सब लोगों से पैसा जमा करते हैं, और जितना जितना वो पैसा सबसे जमा करते हैं अपना 1 करोड़ मुकम्मल करने के लिए, जितना जितना पैसा उन लोगों ने जमा किया तो उसके एवज उनको शेयर दे दिया। मिसाल के तौर पे मुझे एक कंपनी शुरू करनी है, मैं एक मेरे पास एक आइडिया है, कोई क्रिएटिविटी है, कोई इनिशिएट, मुझे कोई प्रोजेक्ट करना है और उसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैंने आप सबसे पैसे जमा किए और मुझे उस 1 करोड़ को पूरा करने के लिए जिस जिस शख्स ने जितने जितने पैसे दिए, मैंने उस शख्स को एक शेयर इशू कर दिया। जिसने मुझे 1 लाख रुपए दिया, मैंने उसको 1 लाख का शेयर इशू कर दिया। जिसने मुझे 10 लाख रुपए दिए, मैंने उसको 10 लाख रुपए का शेयर इशू कर दिया। जिसने मुझे 50 लाख रुपए दिए, मैंने उसको 50 लाख का शेयर इशू कर दिया, जो कि इस बात की जमानत है, इस बात का सबूत है कि वो मेरी कंपनी का इतने परसेंट का ओनर है। भाई अगर मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए और अगर कोई मुझे 50 लाख रुपए दे रहा है, तो इसका मतलब वो शख्स मेरी कंपनी में हिस्सेदार है। कितने का? 50% का, क्योंकि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए था और किसी शख्स ने मेरे कारोबार में 50 लाख रुपए लगाए, तो मैंने उसको 50 लाख का शेयर दे दिया। यानी मैंने उसको अपनी कंपनी में, जो कि मैं शुरू करने जा रहा हूं, 50% का शराकतदार, हिस्सेदार बना लिया। यानी मैं जितना मुनाफा कमाऊंगा उसका 50% मैं उसको दूंगा। तो एक तरीके से वो मेरी कंपनी का कौन बन गया? ओनर बन गया, शेयर होल्डर बन गया, वो कंपनी का मालिक बन गया। क्योंकि यहां पर कंपनी का कोई एक मालिक नहीं है, क्योंकि किसी एक शख्स के पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि वो अपने बलबूते पे एक कंपनी को खड़ा कर सके। उसको औरों की मदद थी, तो जिस जिसने उसकी मदद करी, जिस जिसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, और जितना जितना पैसा इन्वेस्ट किया वो उतने उतने हिस्से का मालिक बन गया, वो शेयर होल्डर बन गया। शेयर होल्डर 2 भी हो सकते हैं, 2,000 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। तो ये हो गए शेयर होल्डर्स, ये हैं कंपनी के ओनर्स, ये हैं सरमायादार लोग, ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, सरमाया है, फाइनेंस है, ये है इनके पास। ये कहते हैं हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस को चलाइए। अब मसला ये आया कि ये सरमायादार लोग तो हैं, इनके पास पैसा तो है, ये इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अक्सर औकात इनके पास इतनी काबिलियत नहीं होती, इतनी सलाहियत नहीं होती कि ये बिजनेस को चला सकें। पर इतना बड़ा बिजनेस है, कोई छोटा मोटा होता तो मैं किसी से मदद भी ना मांगता, मैं खुद ही बिजनेस शुरू करता, अपना ही पैसा लगाता, खुद ही मैनेज करता, मैं ही ओनर होता, मैं ही मैनेजर होता, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। लेकिन यहां पर आइडिया बड़ा है, कंपनी बड़ी है, पैसे ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा लोगों से पैसे लेने पड़े, मुझे ज्यादा लोगों को अपना हिस्सेदार बनाना पड़ा। अब वो सब लोग मेरी कंपनी के ओनर्स तो बन गए, लेकिन वो तमाम लोग जो मेरी कंपनी के ओनर्स हैं उनके पास पैसे तो हैं, वो सरमायादार तो बन गए, इन्वेस्टर तो बन गए, मेरी कंपनी के हिस्सेदार तो बन गए, लेकिन उनके पास कंपनी को चलाने की सलाहियत, एक्सपर्टीज, कॉम्पिटेंस, नॉलेज नहीं है, वो कंपनी को चला नहीं सकते। तो इन तमाम लोगों ने, जिनको हम शेयर होल्डर्स कह रहे हैं, इन तमाम लोगों ने ये फैसला किया, लेट्स अपॉइंट अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड मैनेजमेंट। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हैंड राइटिंग को समझ पा रहे होंगे। तो ये जो शेयर होल्डर्स थे, जो कंपनी के ओनर्स थे, जो हिस्सेदार थे, इन्होंने फैसला किया कि आइए एक ग्रुप ऑफ पीपल अपॉइंट करते हैं, कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जो कि हमारी कंपनी की मैनेजमेंट संभालें, भाग दौड़ संभालें, जिसको हम भाग डोर कहते हैं और हम भाग दौड़ भी कहते हैं, हम भाग दौड़ संभालें। और ये लोग कौन होंगे मैनेजमेंट में? लोग कौन होंगे जो एक्सपर्ट लोग होंगे, जैसे कि सीईओ होगा,
जो कि कंपनी का पूरा चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, सीएफओ होगा जो फाइनेंशियल मैटर्स का एक्सपर्ट होगा, सीओओ होगा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो कंपनी का ऑपरेशंस को चलाने की सलाहियत रखता होगा, फिर इसी तरह कोई ह्यूमन रिसोर्स का हेड होगा, कोई ट्रेनिंग का हेड होगा, कोई मार्केटिंग का हेड होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होगा, यानी इन्होंने कुछ ऐसे लोग जो काबिल लोग थे, जो बासलाहियत लोग थे, जिनके पास कंपनी को चलाने का तजर्बा था, सलाहियत थी, कॉम्पिटेंस थी, एक्सपीरियंस था, उन लोगों को अपॉइंट किया कि आप हमारे बिहाफ पर हमारी कंपनी चलाइए। आप सोचे हो क्या रहा है? देखिए, हो सकता है मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, हो सकता है मैं आपको बोर कर रहा हूं, लेकिन ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि ऑडिट की पैदाइश कैसे हुई, ऑडिट वजूद में कैसे आया, ऑडिट का मकसद क्या है, अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट क्या है, तो फिर आपके लिए ऑडिट हलवा हो जाएगा, मसला ही नहीं रहेगा कोई। तो हमने कहा मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट लोग हैं। तो अब मैं शेयर होल्डर्स की जबानी आपको बता रहा हूं। अब शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट से क्या कह रहे हैं, सुनिएगा, आंखें बंद करके सुनिएगा मेरी बात। शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट से मुखातिब है। अब शेयर होल्डर्स कौन है? कंपनी के ओनर्स हैं। और मैनेजमेंट कौन है? कंपनी को चलाने वाली। अब शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट से मुखातिब है और शेयर होल्डर्स कह रहे हैं आप हमारे बिहाफ पर हमारी कंपनी चलाइए, ये इन्वर्टेड कॉमास में ले लें आप। शेयर होल्डर्स मुखातिब हैं उस मैनेजमेंट से जिसको शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है कंपनी चलाने के लिए। तो शेयर होल्डर्स अपनी मैनेजमेंट से कह रहे हैं कि आप हमारे बिहाफ पर हमारी कंपनी को चलाइए, बहुत अच्छे से चलाइए, बेहतरीन तरीके से चलाइए, बहुत सारे पैसे कमाइए, और जब आप वो पैसे कमा लें उसमें से अपने खर्चे निकालिए, और जो आखिर में मुनाफा बच जाए ना वो हम तमाम शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बांट दें, जितने जितने हमारे शेयर हैं उतने उतने हमारे अंदर बांट दें आप। और ये जो बांटते हैं हम, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। मैं यहाँ छोटा सा लिख रहा हूं कोने पे ताकि आप मेरी बात समझ जाएं, ये होता है डिविडेंड। एंड व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स को मिलता है, जो पूरा प्रॉफिट पूरे साल कंपनी को होता है, उस प्रॉफिट को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में, अपने हिस्सेदारों में बांट देती है। जिसने जितना जितना पैसा लगाया है उसको उतने उतने परसेंट प्रॉफिट का मिल जाता है। तो वो जो प्रॉफिट का हिस्सा लोगों को मिलता है वो आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स ने कहा देखे भाई, हम के ओनर्स हैं, हमारे पास पैसे हैं, हमने कंपनी में पैसे लगा दिए, हम पैसे मजीद लगा सकते हैं, आप लोगों को हम अपॉइंट कर रहे हैं, यानी शेयर होल्डर्स मुखातिब हैं मैनेजमेंट से कि आप लोगों को हम अपॉइंट कर रहे हैं कि आप हमारे बिहाफ पर हमारी कंपनी को चलाइए, क्योंकि आप माशाल्लाह माहिर लोग हैं, तजर्बेकार लोग हैं, बासलाहियत लोग हैं, बाकमाल लोग हैं, आप हमारे बिहाफ पर हमारी कंपनी को चलाइए और अच्छे से चलाइए और बहुत सारे पैसे कमाइए और उसमें से अपने खर्चे निकाल लीजिए, और आखिर में जो प्रॉफिट बच जाए उस प्रॉफिट को हमारे दरमियान, जो कंपनी के ओनर्स हैं, हमारे दरमियान हमारे शेयर्स के मुताबिक इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्या आप शेयर होल्डर्स सुकून की नींद सोएंगे? अरे शेयर होल्डर्स ने अपनी बेबी हाथ में दे दी, किसके? मैनेजमेंट के। शेयर होल्डर्स ने कहा ले जी ये मेरी बेबी है, ये आप संभालिए, मैं तो चला सोने। क्या शेयर होल्डर्स अपना एम्पायर, अपनी कंपनी जो उन्होंने अपने पैसों से बनाई है, क्या किसी के हाथों में सौंप कर जाकर सो जाएंगे? असल कहानी शुरू होगी अब। मैंने अपनी कंपनी किसी के और के हाथ में सौंप तो दी कि वो अच्छे से चलाए, लेकिन मेरी नींदें उड़ गई अब। क्यों? क्योंकि ओनरशिप सेपरेट हो गई ना मैनेजमेंट से। अगर कोई बिजनेस ऐसा होता जिसका मैं ही ओनर होता और मैं ही मैनेजर होता तो कोई मसला नहीं था, मेरी ही चीज है, मैं ही चलाता, मुझे इत्मीनान रहता, मेरी बेबी है, मेरे हाथ में रहती, मुझे इत्मीनान रहता। लेकिन अब चीज मेरी है और मैंने किसी और के हाथों में सौंप दी कि आप इसको रन कीजिए, इसको मेरे बिहाफ पर चलाइए, इसके फैसले करें, इसमें डिसीशंस आप लें, अच्छा बुरा आप समझते हैं, आप इसको अच्छे से चलाइए। आपने कह तो दिया अच्छे से चलाइए, लेकिन अब आपके दिल में एक डर बैठ गया, अब आपके दिमाग में एक डाउट आ गया, आपके दिमाग में एक शक व शुबे वाली बात आ गई कि मैंने अपनी चीज इनके हाथ में सौंप तो दी है और मैंने अपनी बड़ी कीमती चीज इनके हाथ में सौंप तो दी है, लेकिन क्या ये मेरी उम्मीदों पर पूरा उतर पाएंगे? क्या ये मेरी इस कंपनी को अच्छे से चला पाएंगे? क्या ये ईमानदारी से चला पाएंगे? क्या ये अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करेंगे? क्या ये मुझे कोई धोखा तो नहीं देंगे? क्या ये मुझसे कुछ छुपाएंगे तो नहीं? क्या ये कोई गलत फैसले तो नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं कि ये मेरी कंपनी को बर्बाद कर दें, मेरी इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर दें? क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे पैसे डूब जाए? मैंने तो अपनी चीज उनके हाथ में सौंप दी है, लेकिन क्या वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पर, मेरी उम्मीदों पर पूरे उतर पाएंगे या नहीं? तो मैंने ये सोचा यार इससे अच्छा तो मैं पहले था।
जब चीज भी मेरी और चला भी मैं रहा हूं। मैंने कहा नहीं, अब मुझे एक और शख्स चाहिए। मैंने कंपनी बनाई, पैसे लगाए, कंपनी शुरू की, मैनेजमेंट के हाथ में दे दी, आप चलाइए। लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुआ, मैं अंदर से अभी भी फिक्रमंद हूं, परेशान हूं, ये क्या करेंगे। मैंने अपनी बेबी इनके हाथ में सौंप तो दी, ये क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे। उस डर की वजह से मैंने कहा मुझे एक और शख्स अपॉइंट करना पड़ेगा जो इन पर नजर रखे। मुझे एक अपना नायब अपॉइंट करना पड़ेगा, मुझे अपना एक ऐसा वफादार बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा जो मेरे बिहाफ पर इन पर नजर रखे। यानी मैंने अपना बेबी किसी और के हाथ में सौंप दिया, मैंने अपनी कंपनी किसी और के हाथ में सौंप दी, अब मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरे बिहाफ पर इनके काम पर नजर रखे और मुझे आके बताए कि ये मेरी कंपनी को मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक, मेरी उम्मीदों के मुताबिक, मेरे उसूलों के मुताबिक चला रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पे आप कहेंगे सवाल बनता है, और सवाल बनना भी चाहिए कि आप खुद ही नजर रखें ना उन पर। यानी आपने जब अपनी कंपनी किसी और के हाथ में सौंप दी तो अब आपको नजर रखने के लिए कोई और क्यों चाहिए। आप तो खुद नजर रखें अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर जिनके हाथों में आपने कंपनी सौंपी है। अब यहां पर मसला क्या है, देखिए, अगर मैं मैनेजमेंट के काम पर नजर रखने के काबिल होता, मेरे अंदर अगर इतनी सलाहियत होती, इतना तजर्बा होता कि मैं मैनेजमेंट के काम पर नजर रख सकूं, तो मुझे मैनेजमेंट की जरूरत क्या थी, मैं वो खुद ही ना कर लेता। मुझे तो मैनेजमेंट को अपॉइंट करने की जरूरत पड़ी ही इसीलिए क्योंकि वो जो काम की नौइयत है वो मैं नहीं समझता, वो मैं नहीं जानता, और अगर मैं जानता भी हूं तो बहुत अच्छे से नहीं जानता। अगर मैं वो काम करूंगा भी तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, और चूंकि मैं वो काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, मेरी कंपनी कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी, तरक्की नहीं कर पाएगी। लिहाजा मैंने कुछ एक्सपर्ट लोग अपॉइंट किए कि आप करें ये काम, आप चलाएं मेरी कंपनी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से करेंगे। तो अगर मैं वो काम जानता होता तो मैं उनको अपॉइंट ही क्यों करता। इसका मतलब जब मैंने उनको अपॉइंट किया है तो वो काम जिसके लिए मैंने अपॉइंट किया है वो काम मैं अच्छे से नहीं जानता, और जिस काम को मैं अच्छे से नहीं जानता उस काम के करने वालों पर मैं नजर कैसे रखूंगा। मैं ऑडिट का टीचर हूं, आप कहें सर ये जो अकाउंटिंग की टीचर है ना, जरा इस पर आप नजर रखिए, सही से पढ़ा रहे हैं या नहीं। मैं कहूंगा यार मैं ऑडिट का टीचर हूं, मैं अकाउंटिंग का टीचर नहीं हूं। जब तक मैं अकाउंटिंग का टीचर नहीं हूंगा, या मैं अकाउंटिंग नहीं जानता हूंगा, या मैं अकाउंटिंग का एक्सपर्ट नहीं हूंगा, मैं उस पर नजर कैसे रखूंगा। क्योंकि काम करना और है, काम करने वाले पर नजर रखना और है। काम करने वाले पर नजर रखने के लिए आपको काम करने वाले की स्किल्स पर, उसकी सलाहियतों पर मुकम्मल उबूर हासिल होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप वो काम करने के एक्सपर्ट नहीं है तो वो काम करने वाले पे आप नजर नहीं रख सकते। वो आपको घुमा देगा, वो आपको बहका देगा, वो आपके साथ ऐसी ऐसी बातें करेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा। तो मैं एक ऑडिटिंग का टीचर होते हुए, मैं ऑडिटिंग का एक्सपर्ट होते हुए एक ऑडिट के टीचर पे तो नजर रख सकता हूं, लेकिन एक अकाउंटिंग के टीचर पे नजर नहीं रख सकता। अगरचे मुझे अकाउंटिंग थोड़ी बहुत आती क्यों ना हो, लेकिन वो चीता है, वो मेरा बाप है, वो एक्सपर्ट है, मैं उसके काम पर नजर नहीं रख सकता। किसी के भी काम पर नजर रखने के लिए मुझे उसका चीता बनना होगा, उसका एक्सपर्ट बनना होगा, बासलाहियत बनना होगा। तो फिर शेयर होल्डर्स ने कहा चले जी हमने कंपनी शुरू करी है, हमने मैनेजमेंट अपॉइंट कर ली, वो हमारी कंपनी को चलाएगी, अब आइए एक और शख्स अपॉइंट करते हैं जिसका नाम होगा ऑडिटर, और ये मेरी कंपनी के चलाने वालों पर नजर रखेगा। अब आप समझे हमारा फोकस है इस पर शेयर होल्डर्स जो कंपनी के ओनर्स हैं। अब शेयर होल्डर्स ने चूंकि मैनेजमेंट को अपॉइंट किया अपनी कंपनी चलाने के लिए, इसीलिए अब शेयर होल्डर्स को जरूरत पड़ी कि वो एक और शख्स अपॉइंट करें जिसका नाम है ऑडिटर, जो बासलाहियत भी है, जो तजर्बेकार भी है, जो ईमानदार भी है। और अब शेयर होल्डर्स मुखातिब हैं ऑडिटर से, और वो मुखातिब होते हुए क्या कह रहे हैं, फिर से इनवर्टेड कॉमास में बोल रहा हूं, आंखें बंद करके चाहे तो सुनिएगा। शेयर होल्डर्स ऑडिटर से कह रहे हैं कि आप हमारे बिहाफ पर हमारी कंपनी में जाइए और हमारी मैनेजमेंट के काम को इवैल्यूएट करें, और फिर हमें वापस आकर बताइए कि वो लोग जिनको हमने अपनी कंपनी जिनके हवाले करी थी वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, वो कंपनी हमारे ऐन मुताबिक चला रहे हैं या नहीं, वो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, वो कोई गलत डिसीशंस तो नहीं ले रहे, वो गलत फैसले तो नहीं कर रहे, वो मेरी कंपनी को डुबो तो नहीं देंगे, और फिर हमें आके बताइए। आज की रात शेयर होल्डर को सुकून की नींद आएगी जब शेयर होल्डर ने अपनी कीमती चीज, अपना बेबी, अपना सरमाया, अपनी कंपनी किसी और के हाथ में सौंपी इस ट्रस्ट के साथ कि वो चलाएं, तो उसको उसकी नींदें उड़ गईं, क्योंकि वो ट्रस्ट करना मुश्किल है। इंसान के लिए ट्रस्ट करना मुश्किल है, इंसान शक व शुबे में रहता है, लेकिन जब
उसी शेयर होल्डर ने अब एक और शख्स अपॉइंट कर लिया जो उनकी कंपनी के चलाने वालों पर नजर रखे, और वो शख्स, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, वो शख्स जिसका नाम है ऑडिटर, वो काबिल भी है, वो तजर्बेकार भी है, वो बासलाहियत भी है, वो ईमानदार भी है, वो आपको धोखा नहीं देगा। अब जब आपने एक रखवाला रख लिया जो आपकी कंपनी के चलाने वालों पर नजर रखेगा, तो आज की रात आप सुकून से सोएंगे और साल के आखिर में आप ऑडिटर को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि अब मुझे बताओ पूरे साल जो मेरी कंपनी में हुआ वो क्या हुआ और कैसे हुआ, ताकि मैं आइंदा के लिए फैसले कर सकूं। तो इतना लेक्चर में वक्त गुजर गया है, मैंने कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप आपके लिए कर लिया है। हम एक नतीजे पर पहुंचे और वो नतीजा क्या था? इस वक्त हम बात कर रहे हैं नीड फॉर ऑडिट। ऑडिट की जरूरत क्या है? ऑडिट की जरूरत क्यों पेश आई? ऑडिट क्यों वजूद में आया? ऑडिट का मकसद क्या है? तो वो मकसद मैंने काफ़ी तफसील से आपके सामने बयान किया और वो मकसद अब हम देखने जा रहे हैं। इसके अंदर फोर पॉइंटर्स हैं, अगर आप देखें देयर आर फोर पॉइंटर्स, इनफैक्ट फाइव पॉइंटर्स, अब इसकी हम बात करेंगे। यानी आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे, क्या पूछे कि व्हाई डू वी नीड ऑडिट, ऑडिट की जरूरत क्या है, ऑडिट क्यों करते हैं, ऑडिट क्यों वजूद में आया, तो आपका जवाब होगा ऑडिट का वजूद, ऑडिट इसलिए वजूद में आया, ऑडिट की पैदाइश इसलिए हुई बिकॉज ऑफ ये, जिसपे मैं इस वक्त हाईलाइट करने जा रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इस पे आप फोकस करेंगे, बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जब तक ओनरशिप और मैनेजमेंट एक ही हाथ में थी, ऑडिटर की जरूरत नहीं थी, तीसरे शख्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हो गई, अब जरूरत पड़ गई ऑडिटर की। तो ऑडिट की नीड क्या हुई, ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ी, ऑडिट की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट। तो बेसिकली ऑडिट जो है ना, इट्स अ थ्री पार्टी रिलेशनशिप। अभी आपको मैंने पीछे दिखाया ना, ये देखा ना हमने, तीन पार्टीज आ गई ना यहाँ पर। कितनी पार्टीज हैं? तीन पार्टीज, पार्टी नंबर वन, पार्टी नंबर टू, पार्टी नंबर थ्री। तो इट्स अ ट्राइंगुलर अरेंजमेंट ना, इसको हम ट्राइपार्टाइट अरेंजमेंट कहते हैं, ट्राइपार्टाइट अरेंजमेंट कहते हैं। यानी चलिए मैं अगर आपको और समझाऊं, तो ये देखें मैं इसका एक ट्राइंगल आपके सामने बना रहा हूं आसानी के लिए, ताकि आपको समझ में आए। ये ट्राइंगल के तीन कोने होते हैं, आपको पता है, मैंने ट्राइंगल नहीं ईजाद किया, आपको पता है इसके तीन कोने होते हैं। तो ऑडिट जो है ना, बेसिकली ये तीन पार्टियों के दरमियान एक रिलेशनशिप का नाम है। और वो रिलेशनशिप क्या है? इस ट्रायंगल के एक कोने पे हैं शेयर होल्डर्स, इस ट्रायंगल के दूसरे कोने पे है मैनेजमेंट, और इस ट्रायंगल के तीसरे कोने पे हैं ऑडिटर्स। और बीच में क्या है? ये ट्रायंगल क्या है? व्हाट इज दिस ट्रायंगल? दिस इज द एंटिटी। यानी शेयर होल्डर्स कौन है? कंपनी के ओनर्स हैं। मैनेजमेंट कौन है? कंपनी के मैनेजर्स हैं। और ऑडिटर्स कौन है? ये मैनेजमेंट पर नजर रखने वाले लोग हैं। तो असल में शेयर होल्डर्स ने अपने दो एजेंट्स अपॉइंट कर दिए। एजेंट नंबर वन, शेयर होल्डर्स ने मैनेजमेंट से कहा आप मेरे बिहाफ पर मेरी कंपनी में जाइए, मेरी कंपनी को चलाइए, बहुत सारे पैसे कमाइए, मुझे प्रॉफिट लाकर दे दें, अल्लाह हाफिज। और फिर शेयर होल्डर्स ने दूसरी तरफ मुड़ के ऑडिटर से कहा आप मेरे बिहाफ पर मेरी कंपनी में जाइए, कंपनी चलाइए नहीं, कंपनी चलाने के लिए मैंने लोग रखे हुए, आप उनके काम पर नजर रखें और साल के आखिर में मुझे बताइए कि ऑल इज वेल और नॉट। सब ठीक है ना? आप कहेंगे सब ठीक है, मैं यकीन कर लूंगा सब ठीक। और इस एंटिटी को भी अगर मैं मजीद फोकस करूं, तो असल में जो हमारा मेन फोकस है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये मैंने वो लफ्ज लिखा है जो आप दिनों रात सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, या आपकी रगों में शामिल हो गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कहेंगे हाँ हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तुम्हारी रगों में शामिल है, ये हमारे रगों में दौड़ रहा खून की तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? आई होप इस वक्त आप मेरे नजरों के सामने होते, मैं आपसे पूछता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। देखिए भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होते हैं जो कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाती है, किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए ना। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट फॉर द शेयर होल्डर्स। क्यों भाई, क्यों बनाते हैं भाई? शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट से कहते हैं पूरे साल तुमने मेरी कंपनी को चलाया है ना, अब साल के आखिर में मुझे पूरा हिसाब किताब बना के दो, तुमने कितना कमाया, कितना खर्च किया, क्या प्रॉफिट हुआ, तुम्हारे पास कितने एसेट्स हैं, तुम्हारे पास कितनी लायबिलिटीज हैं, वो क्या है जो तुम्हारा अपना है, वो क्या है जो पराया है, वो क्या है जो तुमने कमाया, वो क्या है जो तुमने खर्च किया, वो क्या है जो तुम्हारे पास मुनाफा बच गया, मुझे पूरे साल की रिपोर्ट चाहिए। अगर मैं अपनी कंपनी खुद चलाता तो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं एक
जनरल स्टोर चलाता हूं वो मेरा है, सिर्फ मेरा है, उसका सारा मुनाफा भी मेरा है, उसका नुकसान भी मेरा है, उसमें अगर एक टेबल कुर्सी रखी है, उसमें अगर फर्नीचर रखा है वो भी मेरा है, सब कुछ मेरा है, जो है वो मेरा है, तो फिर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है ना भाई। मैं क्या करूंगा, रोज मैं अपना जनरल स्टोर खोलूंगा, एक मेरे पास ड्रॉअर बनी हुई है, जो मैं माल बेचता रहूंगा उससे पैसे आते रहेंगे, मैं उस दराज में डालता रहूंगा। जाहिर है मुझे माल बेचने के लिए माल खरीदना भी पड़ेगा, तो जब मैं माल खरीदूंगा तो उसी दराज से पैसे निकाल कर मैं पेमेंट करता रहूंगा, यानी जब मैं माल बेचूंगा पैसे आएंगे तो उसी दराज में डालूंगा, जब मैं माल खरीदूंगा तो फिर मेरे पास से पैसे जाएंगे तो मैं उसी दराज से पेमेंट कर दूंगा, और जब दिन एंड होगा ना तो मैं इस दराज में जितने पैसे बचे होंगे वो निकालूंगा, काउंट करूंगा, जेब में डालूंगा और चला जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा उस दिन का मुनाफा हो गया। मैंने कुछ माल खरीदा और फिर कुछ माल बेच दिया, जो बेचने और खरीदने के बीच में जो प्रॉफिट बचा, जो मुनाफा बचा, वो मेरा था, मैंने गिना, अपने पास रख लिया, मुझे कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं, चीज भी मेरी है, चला भी मेरा हूं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन फिर बात वही आ गई ना, ओनरशिप गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और ओनरशिप सेपरेट हो गई ना, अब जो उस जगह के मालिक है वो तो घर पर बैठे और चला कोई और रहा है, तो वो जो मालिक है वो साल के आखिर में ये चाहेगा कि जो मेरी कंपनी के चलाने वाले लोग थे ना वो मुझे पूरे साल का हिसाब किताब दे, क्या कमाया, क्या खर्च किया, क्या बच गया, क्या तुम्हारा अपना है, क्या पर आया है। अच्छा फिर वो हिसाब किताब बनाकर देंगे तो क्या इनको समझ में आएगा शेयर होल्डर्स को? मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कर दिए, मैनेजमेंट में आप जैसा कोई सीएफओ बैठा है, कोई एसीसी क्वालिफाइड बैठा है, कोई सीए क्वालिफाइड बैठा है, उसने IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े, वो तो चीता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसने बड़े जबरदस्त किस्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और शेयर होल्डर्स को रवाना कर दिए। अब जब शेयर होल्डर्स वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो वो देखते ही रह जाएंगे, उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो उस चीज के एक्सपर्ट नहीं है, वो ये सलाहियत नहीं रखते, उनके पास वो सलाहियत है ही नहीं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ सके, और अगर पढ़ भी लेंगे तो उसको समझ सके, और अगर समझ भी लेंगे तो उसकी बेस पे वो फैसले कर सके, ये उनके अंदर सलाहियत नहीं है। तो उनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ तो गए मैनेजमेंट की तरफ से, अब उनको जरूरत है किस शख्स की, ऑडिटर की। वो कहेंगे ऑडिटर साहब हमने आपको अपॉइंट किया है, अब आप हमारे बिहाफ पर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें और फिर हमें बताएं कि जो कुछ मैनेजमेंट ने इसमें लिखा है ये ठीक है, ये करेक्ट है, ये सच है, ये हकीकत है, इसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कुछ छुपाया तो नहीं गया, कुछ ज्यादा तो नहीं बताया गया। और जब ऑडिटर कहेगा कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपकी मैनेजमेंट ने आपके लिए बनाए हैं ये बिल्कुल ठीक है, जैसे ही ऑडिटर ग्रीन सिग्नल देगा उन शेयर होल्डर्स को सुकून मिल जाएगा, इत्मीनान हो जाएगा कि ये ऑडिटर ने अगर कह दिया कि ठीक है तो फिर ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो असल जो हमारी कहानी घूमेगी, मैं यहां पर थोड़ा सा अब अपनी बात को तब्दील कर रहा हूं, एंटिटी को मिटाकर मैं यहां क्या लिख रहा हूं, एंटिटी को मिटाकर मैं यहां लिख रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि आपका फेवरेट लव्ज है, जिसके साथ आप दिन और रात गुजारा करते हैं। तो बीच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो शेयर होल्डर्स कौन है? शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे फैसले करने के लिए आगे क्या करना है, मजीद इन्वेस्ट करना है या जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो निकाल लेना है, क्योंकि वो कंपनी के मालिक हैं। मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट वो है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। ऑडिटर्स कौन है? ऑडिटर्स वो है जो मैनेजमेंट के बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करेंगे। तो ओनर्स ने मैनेजर्स को अपॉइंट किया कि आप मेरे बिहाफ पर कंपनी चलाइए, पूरे साल चलाइए, अच्छे से चलाइए, सुकून से चलाइए, और साल के आखिर में मुझे उसका हिसाब किताब दें। और वो हिसाब किताब मैंने हवाले किया ऑडिटर के, कि अब आप जरा देखिए कि जो इन्होंने हिसाब किताब मुझे बनाकर दिया है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो ठीक है या नहीं। तो ऑडिटर फिर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेगा, मैनेजमेंट से सवाल जवाब करेगा, उनसे हर चीज के बारे में पूछेगा, बाल की खाल निकालेगा, और जब वो मुतमईन हो जाएगा कि जो कुछ इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है वो करेक्ट है, वो ट्रू है, वो सच है, वो हकीकत है, उसमें कोई गलत बयानी नहीं है, तो वो फिर
शेयर होल्डर्स को एक अफर्मेशन देगा, एक गारंटी देगा, एक तसल्ली देगा, एक अश्योरेंस देगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपकी मैनेजमेंट ने आपके कहने पर आपके लिए बनाए, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैंने देख लिया है, ये बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, इसमें कोई गलत बयानी नहीं है, इसमें कुछ छुपाया नहीं गया है, ये बिल्कुल ठीक है, और आप इन पर यकीन कर लीजिए और इसकी बेस पे आप अपने फैसले कर लीजिए, मैं आपको ग्रीन सिग्नल देता हूं या मैं आपको रेड सिग्नल देता हूं कि ये जो कुछ आपकी मैनेजमेंट ने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा है ये गलत है, इसमें कुछ चीजें छुपाई गई हैं, इसमें कुछ चीजें ज्यादा बताई गई हैं, इसमें गलत बयानी से काम लिया गया है, इस पर यकीन मत कीजिएगा। तो ऑडिटर्स का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है और जो आप करने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं। माशाल्लाह आप सब ACCA बनने जा रहे हैं और ACCA बनना तो एक बहुत बड़ा एक काम है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम ऑडिटर बनना है। बिकॉज ऑडिटर कौन है? ऑडिटर वो है जो अवाम को प्रोटेक्ट करेगा, ऑडिटर वो है जो अवाम के पैसे को प्रोटेक्ट करेगा, ऑडिटर वो है जो अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, ऑडिटर वो है जो अवाम के कीमती सरमाए का मुहाफिज होगा। यानी वो जो जनरल पब्लिक, वो जो आम लोग जिन्होंने अपना पैसा कंपनी में लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, ऑडिटर वहां मौजूद है नजर रखने के लिए कि उनके पैसे का गलत इस्तेमाल ना किया जाए, उनके पैसे को मिसयूज ना किया जाए, उनका पैसा सही जगह लगाया जाए, उनके पैसे से मजीद पैसा कमाया जाए। तो जब ऑडिटर वहां बैठा होगा तो पूरी की पूरी आवाम को सुकून होगा, इत्मीनान होगा, एक ढारस होगी कि कोई ऐसा बंदा है जो एक्सपर्ट है, जो कॉम्पिटेंट है, जो एक्सपीरियंस है, जो तजर्बेकार है, जो बासलाहियत है, जो ईमानदार है, जो इस बात का रखवाला है, वो देख रहा है कि मेरा पैसा गलत हाथों में ना जाए, किसी गलत इस्तेमाल में ना जाए। तो इसलिए आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, लोग आप पर अंधा एतमाद करते हैं, लोग आप यस कहेंगे तो लबैक कहेंगे, आप नो कहेंगे तो लबैक कहेंगे, जैसा आप कहेंगे वो उस पर अमल करेंगे। तो लिहाजा ऑडिटर की जरूरत क्यों पेश आई? ऑडिटर की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि ओनरशिप गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट, और जब ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हुई तो फिर जरूरत पड़ी एक ऐसे शख्स की जो उन दोनों के दरमियान उस गैप को ब्रिज अप कर सके और मामलात को आगे लेकर चले। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। आई हैव इन्वेस्टेड अ गुड टाइम इन एक्सप्लेनिंग, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है कि ऑडिट की जरूरत क्यों पेश आई। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं ऑडिट की डेफिनेशन पर, बट डेफिनेशन में पहले आने से पहले हम इन तीन लोगों के बारे में जान चुके हैं। तीन लोग हैं कौन? मैनेजमेंट, ऑडिटर्स और शेयर होल्डर्स, इनके नाम हैं। मैनेजमेंट को कहा जाता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, इसलिए इनको कहा जाता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, क्योंकि ये जिम्मेदार लोग हैं ना, ये पूरे साल कंपनी चलाएंगे और फिर साल के आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। ऑडिटर्स को कहा जाता है प्रैक्टिशनर, क्योंकि ये प्रैक्टिस करते हैं अपनी ऑडिटिंग जो स्किल्स हैं इनकी, वो प्रैक्टिस करते हैं और ये रिपोर्ट देते हैं कि जो कुछ मैनेजमेंट ने बनाया है वो ठीक है या नहीं। और शेयर होल्डर्स आर द इंटेंडेड यूजर्स, ये वो लोग हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पर फैसले करेंगे, इसलिए इनको इंटेंडेड यूजर्स कहा गया। सो ऑडिट इज अ थ्री पार्टी रिलेशनशिप, तीन लोगों के दरमियान की रिलेशनशिप है और वो तीन लोग मैनेजमेंट, ऑडिटर्स और शेयर होल्डर्स हैं, जिनको आप रिस्पॉन्सिबल पार्टी, प्रैक्टिशनर और इंटेंडेड यूजर्स भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं ऑडिट की डेफिनेशन पे। ऑडिट की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन आप अपने सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे और इसमें कुछ कीवर्ड्स अंडरलाइन मैंने किए हुए हैं। मैं पहले आपके सामने डेफिनेशन पढ़ूंगा, फिर उसका तर्जुमा करूंगा, फिर उसकी तशरीह करूंगा, फिर उसका खुलासा बताऊंगा। तो आइए तरतीब बिल तरतीब चलते हैं। तो ऑडिट की डेफिनेशन क्या है? मैं पहले अंग्रेजी जबान की जो डेफिनेशन है वो पढ़ रहा हूं ताकि ये आपको याद करनी होगी, लिखना तो यही होगी। इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू गिव एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। एक मरतबा और पढ़ूंगा। What is an audit? It is an independent examination of financial statements to give an opinion whether the financial statements give a true and fair view or the financial statements are free from material misstatement. Audit क्या है? गौर से सुनिएगा मेरी बात, इसी तरह आप समझेंगे तो आपको मजा आएगा। Audit क्या है? Audit examination है। Audit क्या है?
वो वाला एग्जामिनेशन ही जो आप देने जाते हैं जिसमें आपको डर होता है कि फेल हो जाए या नहीं हो जाए, उसकी बात नहीं हो रही, एसीसी एग्जामिनेशन की बात नहीं हो रही। ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन है। किस चीज का एग्जामिनेशन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन है। किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? वो जो मैनेजमेंट ने बनाए हैं शेयर होल्डर्स के लिए, वो जो पूरे साल का हिसाब किताब है कंपनी का। तो ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन है। ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन है। किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कैसा एग्जामिनेशन है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं इसको हाईलाइट करूंगा। कैसा एग्जामिनेशन है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, गैर जानिबदार एग्जामिनेशन है। एक ऐसा बंदा एग्जामिन कर रहा है जो गैर जानिबदार है, जो न्यूट्रल है, जो किसी की तरफ झुका हुआ नहीं है, जो किसी को फेवर नहीं करता, जो किसी के साथ मिला हुआ नहीं है, जो बिल्कुल सीधी राह पे है, जो सिराते मुस्तकीम पर चल रहा है, जो वही बात करेगा जो हक होगी, जो वही बात करेगा जो सच होगी, जो फैक्ट की बेस पर बात करेगा, जो फीलिंग्स और इमोशंस और रिलेशनशिप्स की बेस पर बात नहीं करेगा, जो किसी के साथ कोई मिली भगत नहीं करेगा, जो किसी के साथ कोई लेन देन नहीं करेगा, ये वो शख्स है जो इंडिपेंडेंट शख्स है। इसीलिए इसका किया हुआ एग्जामिनेशन भी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। तो ऑडिट क्या है? ऑडिट एग्जामिनेशन है। किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कैसा एग्जामिनेशन है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, गैर जानिबदार है, फ्री फ्रॉम ऑल बायसेस है। क्यों है ये एग्जामिनेशन? टू गिव एन ओपिनियन। ये एग्जामिनेशन क्यों है? ओपिनियन देने के लिए भाई। ओपिनियन देना किसी चीज के बारे में, वर्डिक्ट देना, डेक्लेरेशन देना किसी चीज के बारे में, फतवा देना, कोई बात कहना, बस बात में वजन होना चाहिए। तो ऑडिट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। टू गिव एन ओपिनियन, किस चीज पर ओपिनियन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। क्या, क्यों, क्या, इस तरह के सवाल आप करें। ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन है। किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कैसा एग्जामिनेशन? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्यों है ये एग्जामिनेशन? टू गिव एन ओपिनियन, ओपिनियन देना है, इसलिए मुझे एग्जामिनेशन करना पड़ रहा है। जिस तरह आपका एग्जामिनर वहां यूके में बैठ के आपकी कॉपीज को एग्जामिन करता है और फिर आपके बारे में ओपिनियन देता है इन द फॉर्म ऑफ योर रिजल्ट, क्या पास हुए या पास नहीं हुए। तो ओपिनियन देने के लिए, वर्डिक देने के लिए, फैसला सुनाने के लिए, फतवा देने के लिए एग्जामिन करना जरूरी है। एग्जामिन करूंगा तो मुझे तसल्ली होगी तो मैं ओपिनियन दूंगा, तसल्ली नहीं होगी तो ओपिनियन वैसा होगा, तसल्ली होगी तो ओपिनियन वैसा होगा। और अगर एग्जामिनेशन ही नहीं कर पाया तो ओपिनियन दे ही नहीं सकता, अच्छा या बुरा तो दूर की बात। तो लिहाजा ऑडिट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन है। इसका मकसद है ओपिनियन देना, किस चीज पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। और अब ओपिनियन क्या होगा वो यहां पर लिखा है, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। मैं इसको भी हाईलाइट करूंगा क्योंकि बहरहाल ये ओपिनियन की वर्डिंग्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो आइए इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कहना है कि क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिलहाल आपके लिए बात एक ही है, अगर आप यहां पर देखें तो बहुत बड़ा बड़ा और लिखा हुआ है कि ऑडिटर को ये कहना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, यानी आपने ही कहना है। ऑडिटर ने आखिर में एग्जामिनेशन करने के बाद, काम मुकम्मल करने के बाद, जब ओपिनियन देने की बारी आ रही है, फतवा देने की बारी आ रही है, तो ऑडिटर ने कहना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। और या तो वो ये कहे कि दे आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, या वो ये कहे कि दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये पूरा ऑडिट है, ये आपके पूरे एफएट का सिलेबस है। मैं यहीं से पूरा सिलेबस निकालूंगा, ये जितने वर्ड्स को मैंने यहां अंडरलाइन किया हुआ है यहीं से हम इनको उठाएंगे और आगे लेकर जाएंगे और तफसील में देखेंगे, ऑडिट को खोल के रखेंगे, इसी पूरी डेफिनेशन से आपका सिलेबस डिराइव होगा। तो आज के लेक्चर को रिकैप करते हैं। आई थिंक एक इनिशियल लेक्चर जो आज आपका था ऑडिट का, आज हम यहीं तक रखेंगे। बट वेरी क्विकली इन वेरी फ्यू मिनट्स लेट्स रिकैप। हमने स्टार्ट करी अपनी बात कि ऑडिट की जरूरत क्या है। अच्छा, उससे भी पहले हमने एक और बात करी कि एफएट का टाइटल है ऑडिट एंड अश्योरेंस, और ऑडिट इज अ टाइप ऑफ अश्योरेंस। तो हम जनरली अश्योरेंस पढ़ रहे हैं और स्पेसिफिकली ऑडिट पढ़ रहे हैं। हम जनरली अश्योरेंस समझ रहे हैं और उसमें ऑडिट पे फोकस कर रहे हैं। फिर हम बात करने पे आए ऑडिट की, ऑडिट क्या है, ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ी। तो ऑडिट की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज ओनरशिप वॉज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट, यानी जो ओनर्स थे वो मैनेजर्स नहीं थे, जो मैनेजर्स थे वो ओनर्स नहीं थे। तो फिर एक जरूरत पड़ी तीसरे शख्स की, वो तीसरा शख्स है मैं और आप जो ऑडिटर्स हैं।
हम आज की ऑडिटर्स हैं, आप कल के ऑडिटर्स हैं इंशाल्लाह। शेयर होल्डर्स ने हमें अपॉइंट किया कि हम मैनेजमेंट पर नजर रखें, हम मैनेजमेंट के बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करें और फिर शेयर होल्डर्स को बताएं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी मैनेजमेंट ने आपकी कंपनी के बारे में आपके लिए बनाए हैं, इनको हमने देखा है, तसल्ली से देखा है, अंदर घुस के देखा है, एनालाइज किया है, इंस्पेक्ट किया है, ऑब्जर्व किया है, हर चीज को खोल खोल कर देखा है, हर सवाल पूछा है और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हम आपको ओपिनियन दे सकते हैं कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। तो ये जितना आसानी के साथ मैंने इस दरिया को खूजे में बंद कर दिया, ये इतना आसान है नहीं। इंशाल्लाह मैं और आप मिलकर ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, इसके एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे, बिल्कुल जीरो बेस से स्टार्ट करेंगे ताकि कहीं पर भी आपको ये ना लगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही। अगले लेक्चर से पहले इस पूरे लेक्चर को डाइजेस्ट कर लीजिएगा, वाई अगर आपको समझ में आ गया तो हाउ और व्हाट समझने में मुश्किल नहीं होगी। और इससे पहले कि आप मेरा अगला लेक्चर सुने, इस डेफिनेशन पे आपकी पूरी ग्रिप होनी चाहिए। इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू गिव एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। यानी ऑडिट क्या है? ऑडिट एग्जामिनेशन है किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कैसा एग्जामिनेशन है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। क्यों है ये एग्जामिनेशन? टू गिव एन ओपिनियन। क्या ओपिनियन? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। सो दिस इज द मेन स्लाइड ऑफ टुडेज लेक्चर। इस डेफिनेशन को आपने पी जाना है, हजम करके अगले लेक्चर में आपने आना है। और आज मैं इस लेक्चर को खत्म करूंगा अपनी उस बात से कनेक्ट करते हुए। तो शुरू में मैंने आपसे कहा कि आप इतने सारे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ते हैं, इतनी सारी कॉम्पिटेंसीज हासिल क्यों करते हैं। अगरचे मैंने आपसे कहा कि आप तो एक्सपर्ट हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के या ऑडिटिंग के, लेकिन आप इतनी सारी चीजें क्यों पढ़ते हैं? वो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपने बड़ा काम करना है, अल्लाह ताला ने आपसे बड़ा काम लेना है। और जब आप मैनेजमेंट के काम को इवेल्युएट करेंगे तो आपको मैनेजमेंट जितने भी काम करती है ना उनका पता होना चाहिए, आपको टैक्स का भी पता होना चाहिए, आपको लॉज एंड रेगुलेशंस का भी पता होना चाहिए, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी पता होना चाहिए, आपको बिजनेस मैनेजमेंट का भी पता होना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स भी आनी चाहिए, आपको स्टैटिस्टिक्स भी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको दो काम के तो आप एक्सपर्ट हैं ही, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तो आप एक्सपर्ट हैं ही, ऑडिटिंग के तो आप एक्सपर्ट हैं ही, लेकिन उसके अलावा जो मल्टीपल चीजें हैं जिसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, जब तक आप वो काम नहीं जानेंगे आप मैनेजमेंट काम को इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि आपको एक बड़ी पिक्चर चाहिए होती है, एक होलिस्टिक पिक्चर चाहिए होती है, आपको मैनेजमेंट का काम करना होता है, लिहाजा ये जरूरी है कि आपको और भी उलूम सिखाए जाएं। आज हम अपनी बात को यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।